वी द पीपल, हम भारत के लोग, समण संघ, दो प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं जो कॉमन है। इकट्ठे होकर करेंगे क्या, इकट्ठे होने का एजेंडा क्या है, क्या करना चाहते हैं, क्या मकसद है, क्या करेंगे इतने सारे लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं। और दूसरा, जब हम कहते हैं कि हमारा जो नेता है वो संविधान है, तो सवाल आता है कि संविधान एक निर्जीव किताब है, वो हमारा नेता कैसे हो सकती है। जो पहला सवाल है कि इकट्ठे होकर क्या करेंगे, उसके बदले में अगर हम आपसे ये पूछें कि इकट्ठे होने का एक नुकसान बताइए, तो दुनिया में कोई समझदार व्यक्ति जो पागल नहीं होगा, मानसिक रूप से ठीक होगा, वो इसका जवाब कहेगा कि इकट्ठे होने का फायदा होता है, भले ही उसको पता हो या ना हो। यानी अधिकतर लोग जो सवाल करते हैं कि इकट्ठे होकर क्या करेंगे, वो ये चिंतन नहीं करते कि इकट्ठे होने का नुकसान दुनिया में कोई नहीं है। इसका मतलब जिसका कोई नुकसान नहीं है, कम से कम नुकसान से बचे तो फायदा ही होगा। फायदा उसको समझ में नहीं आता, वो अलग बात है। आप अगर प्रकृति को देखेंगे तो प्रकृति में पाएंगे कि जो छोटे छोटे जीव हैं वो सब इकट्ठे रहते हैं। चींटी भी इकट्ठी रहती हैं, मधुमक्खी भी इकट्ठी रहती हैं, और अधिकतर जितने भी जानवर हैं वो एक साथ इकट्ठे रहते हैं, जो जमीन के अंदर रहते हैं या जमीन के ऊपर रहते हैं। यहाँ तक कि जो सबसे शक्तिशाली जानवर अर्थ के ऊपर शेर है, वो भी झुंड में चलते हैं, इकट्ठे चलते हैं। अगर अकेला कहीं शेर हो तो उसके कुत्तों का झुंड उसको मार देता है, तो वो भी जानते हैं कि इकट्ठा होने में क्या फायदा है। समुद्र के अंदर जो मछलियाँ या अलग अलग तरह के जानवर हैं, वो भी सारे समूह इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे रहने में उनको सुरक्षा का एहसास होता है। जो आकाश में पक्षी उड़ते हैं और जो गगन में पूरे उसमें फैले रहते हैं, वहाँ कोई उनको डर नहीं है, मगर वहाँ भी वो इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे चलते हैं। इसका मतलब इकट्ठे रहने की जो मनुष्य की प्रवृत्ति है वो प्राकृतिक है, क्योंकि हम बंदर से डेवलप हुए हैं, तो बंदर झुंड में रहते थे, और आज भी बंदर आपको झुंड में मिलेंगे, जहाँ सुरक्षा होती है, जहाँ उनका परिवार बढ़ता है और पलता है। तो इकट्ठे रहने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है कि आपको सुरक्षा रहती है, आपके काम आपस में बढ़ जाते हैं, और आप आराम से जीवन को यापन कर लेते हैं और परिवार को बढ़ा लेते हैं। ये प्राकृतिक नियम है। इसी प्राकृतिक के नियम के तहत में झुंड में रहते हैं। तो अलग कौन करता है आपको, यानी कि अगर आप इकट्ठे रहना चाहें तो आपको कौन इकट्ठा नहीं होने देगा। शेर जब शिकार करते हैं गायों के झुंड का, या भैंस के झुंड का, या हिरण के झुंड का, तो वो ये देखते हैं कि झुंड से अलग कौन सा जानवर जा रहा है। तो झुंड से अलग जो जाता है, या तो वो बूढ़ा होता है, या बीमार होता है, या घायल होता है, या कमजोर होता है, तो उसको वो रेकी करते हैं, उसको वो देखते हैं, चेक करते हैं। और जो शेरों का जो झुंड है वो सारे झुंड को भगाता है तेजी से उनके पीछे लगकर, और जो सबसे कमजोर जानवर होता है या कोई बच्चा है तो वो पीछे रह जाता है, जिसको सारे शेर मिलके मार देते हैं और अपना भोजन प्राप्त करके खा जाते हैं। मतलब जो मारने वाले लोग हैं, जो शिकार करने वाले लोग हैं, वो आपको अलग अलग करना चाहते हैं। ये प्राकृतिक नियम है। जब तक वो आपको झुंड से अलग नहीं करेंगे, समूह से अलग नहीं करेंगे, संगठन से अलग नहीं करेंगे, तब तक वो शिकार नहीं कर सकते, क्योंकि झुंड की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर वो गायों का, भैंसों का, या ऊँटों का, या हिरण का झुंड पलट के वार कर गया, तो उन शेरों को पैरों से कुचल कर ही मार देगा, सींगों की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने सारी संख्या में होते हैं वो। इसलिए जो लोग कहते हैं कि इकट्ठा होने से फ़ायदा नहीं है, या जो आपको तोड़ते हैं, जो आपको वर्गों में तोड़ते हैं, जो आपको जातियों में तोड़ते हैं, जो आपको स्टेट के नाम पर तोड़ते हैं, जो आपको भाषा के नाम पर जोड़ते हैं, जो आपको काले गोरे के नाम पर तोड़ते हैं, जो आपको अमीर गरीब के नाम पर जोड़ते हैं, जो आपको पढ़े लिखे अनपढ़ के नाम पर तोड़ते हैं, जो आपको किसी और तरीके से या कोई भी काम धाम या धंधा के हिसाब से तोड़ते हैं, अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करते हैं, वो दरअसल शेर हैं और आपको झुंड से अलग कर रहे हैं। फिर वो आपको मारेंगे। कैसे मारेंगे? दो तरह से मारते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है, यानी सीधे रूप से मारना, परोक्ष रूप से मारना, वो होता है आपका पैसा छीनना, आपको गोली मारना, आपकी पिटाई करना, आपकी मूंछ काटना, आपको घोड़ी से उतारना, आपके कपड़े फाड़ना, आपको बांधना, आपको नंगा करना, आपका मुंह काला करना, आपको डिमोलाइज करना, आपको परेशान करना, आपको गाली देना, ये डायरेक्ट तरीके हैं, परोक्ष हैं। और जो अप्रत्यक्ष, जो अपरोक्ष तरीके होते हैं, यानी इनडायरेक्ट तरीके होते हैं,
वो ज़्यादा खतरनाक हैं। वो खतरनाक इसलिए हैं कि वो आपके सारे अधिकार खा जाएंगे, वो आपको अधिकार नहीं देंगे। जो संविधान में अधिकार लिखे हैं वो आप तक पहुँचेंगे नहीं, वो आपको गुमराह करते रहेंगे, वो आपको कभी जानकारी लेने नहीं देंगे कि वो क्या अधिकार है क्या नहीं है। अस्पतालों में आपके लिए जो दवाएं आनी हैं, जो फ्री संसाधन आने हैं देश की तरफ से, वो आपको नहीं मिलेंगे। वहाँ आपका इलाज नहीं होगा तो आप बिना इलाज के मर जाएंगे। आपके लिए वो स्कूल नहीं खोलेंगे और जो स्कूल होंगे वो बंद कर दिए जाएंगे जो फ्री के हैं, और जो स्कूल खोले जाएंगे वो बहुत महंगे होंगे ताकि आपका शोषण हो सके। जो एजुकेशन 100 रुपये में मिलनी है वो आपको 10,000 रुपये में मिले, और जब आप काम करने जाएँ तो काम का आपको सिर्फ 1,000 रुपये मिले। तो वो इनडायरेक्ट किलिंग होती है, वो इनडायरेक्ट शोषण होता है, अप्रत्यक्ष होता है, वो दिखाई नहीं देता, वो होता है। आपको खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो इतनी महंगी कर दी जाएंगी कि आपके सामने खरीदने की औकात नहीं होगी कि आप बादाम खरीद सकें, काजू खरीद सकें, या कहीं कोई बढ़िया चीज़ प्रोटीन की खरीद सकें। तो वो चीज़ें महंगी कर दी जाएंगी। जो सुख सुविधा की चीज़ें हैं वो आपकी पहुँच से दूर कर दी जाएंगी, क्योंकि आपको इतना पैसा नहीं दिया जाएगा कि आप उन तक पहुँच सकें, और आपके शरीर को आराम भी नहीं दिया जाएगा। तो आपसे ऐसे काम करवाए जाएंगे जिससे आप लेबर की तरह लगे रहें, 8 घंटे की जगह 12 घंटे लगातार काम करें, आराम ना कर सकें, और सोचने की तो बात बहुत दूर की है कि आपको सोचने का टाइम ना मिले। आपसे ऐसे काम करवाए जाएंगे जो बेकार काम होंगे, घटिया काम होंगे, जिन कामों का कुछ पैसा नहीं मिलता, जो बीमारी के होंगे, बदबूदार होंगे, सड़े हुए होंगे, जिसमें आप और आपके बच्चे लगातार बीमार रहेंगे और डॉक्टर को पैसे देते रहेंगे, यानी जो कमाएंगे वो उनको देते रहेंगे। ये इनडायरेक्ट तरीके दुनिया में बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो तरीके हैं मारने के, ये बहुत ज़्यादा हैं। इनसे बचने का जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आप इकट्ठे हो जाइए। अगर आप इकट्ठे हो जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये रहेगा, क्योंकि संविधान के तहत में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, चाहे भले ही वहाँ आपके MP MLA हों या ना हों, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि एक समूह कितना बड़ा कहाँ इकट्ठा हुआ है, तो MP MLA उसकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे, नहीं तो निकाल के बाहर खड़ा कर देंगे जो समूह हैं। इसलिए वो अपने हिसाब से चुनको उनको भेज सकते हैं जो उनकी बात वहाँ रखी जाए। और जिसकी जितनी संख्या भारी होती है देश के अंदर, पार्लियामेंट में या सदन के अंदर या विधानसभा के अंदर, उसकी उतनी ही भागीदारी निश्चित होती है। संविधान में ऐसा निश्चित किया हुआ है। तो इकट्ठे होने का सबसे बड़ा जो फायदा है वो फायदा है कि आपको देश के संसाधनों में, आपको देश की जमीन में, जायदाद में, पैसे में, रुतबे में, नौकरी में, इज्जत में, बराबर का हिस्सा जितना आपका बनता है उतना आपको मिलेगा। भगवान बुद्ध ने सबसे पहले लोगों को इकट्ठा किया और संघ बनाया, संघ के नियम बनाए जो विनय पीटक में आते हैं। वो हमेशा संघ में रहते थे, कई हमले उन पर हुए मगर संघ में रहने के कारण वो बच गए। तो संघ का फायदा होता है कि सुरक्षा में रहते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा था कि भिक्खुओं जहाँ भी जाओगे साथ साथ जाना और दिन में ही जाना ताकि सुरक्षा रहे। अकेले भिक्खु पे कोई जानवर हमला कर सकता है, कोई व्यक्ति हमला कर सकता है, कहीं कोई पत्थर गिर सकता है, कहीं दब सकता है, कहीं बाढ़ आ सकती है, कहीं फंस सकता है, तो सहायता मिलना मुश्किल होता है। इसलिए संघ में सुरक्षा होती है और ये प्राकृतिक नियम है। इसलिए हमारे सारे लोग कबीलों में झुंड में रहा करते थे और अपने आप को बचाते थे। जब वो इकट्ठे होकर रहने लगे तो ज़्यादा बचने लगे, तो ज़्यादा बचने लगे तो पृथ्वी पर ज़्यादा हो गए। अगर वो अकेले अकेले रहते तो वो बच नहीं पाते, तो उनकी संख्या कम होती। इसलिए सबको इकट्ठा रहना है। तो इकट्ठा रहने के लिए बाबा साहब ने कहा कि संगठित रहो, और संतों ने भी कहा कि संगति करो, संगत में रहो, इकट्ठे रहने का फायदा होता है। और बड़े बूढ़े भी कहते हैं कि घर में कुनबे में सब एक साथ रहो, ऊंच नीच चलती रहती है मगर अलग अलग ना हो, एक साथ रहो। एक साथ रहने से मोहल्ले में आपकी सुरक्षा रहती है, लोग आपके परिवार की तरफ को उंगली उठाकर देख नहीं सकते, आपकी बहन बेटी सब सुरक्षित रहेगी, आपके खेत खलिहान सुरक्षित रहेंगे अगर आपका कुनबा एक साथ है तो, इकट्ठा। तो ये संघ में रहने का और इकट्ठे रहने का सबसे बड़ा फायदा होता है। लोग इसको एजेंडा नहीं मानते, लोग इसको काम नहीं मानते, लोग इसको जरूरी नहीं मानते। लोग कहते हैं कि उद्देश्य क्या है, इकट्ठा होने के पीछे मकसद क्या है, एजेंडा क्या है, क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। दरअसल हमारे दिमाग में 70 साल से और लगभग 400-500 साल से ये बात डाली गई है कि उद्देश्य के लिए इकट्ठा होना है, इकट्ठा होना उद्देश्य नहीं है। क्या उद्देश्य डाले गए हैं भाई, राजनीति में आइए,
राजनीतिक पार्टी बनाइए। तो राजनीतिक पार्टियां तो बहुत सारी बनी हुई हैं, अगर राजनीतिक पार्टी बनाने से उद्देश्य पूरा होता तो अब तक तो 100 बार 1000 बार हो गया होता, हजारों राजनीतिक पार्टी हैं। मगर अगर राजनीतिक पार्टियां 10-10 लोगों की हैं तो वो राजनीतिक पार्टी थोड़ी हैं, वो तो राजनीतिक दल हैं। उनमें जो आदमी जाएगा वो धस के मर जाएगा, क्योंकि अगर एक राजनीतिक पार्टी होती और सारे इकट्ठे होते तो फिर राजनीतिक पार्टी होती या ना होती, जिसको भी बिना राजनीतिक पार्टी के चुनते वो व्यक्ति जाता और आपकी बात रखता। इसलिए पार्टी की अहमियत नहीं है, राजनीतिक पार्टी की अहमियत नहीं है, अहमियत है इकट्ठे होने की। जो धम्म के लोग हैं वो कहते हैं कि प्रबुद्ध भारत बनाइए तो कल्याण हो जाएगा, बाबा साहब ने कहा है, तो प्रबुद्ध भारत होने के लिए वो इकट्ठा करते हैं। वो कहते हैं कि बुद्धिस्ट बनना है, इतने करोड़ इतने लाख लोगों को बुद्धिस्ट बनाना है, बुद्धिस्ट भारत बनाना है। भारत तो पहले से ही बुद्धिस्ट है, आप संविधान उठा के देख लीजिए और बुद्ध का त्रिपिटक उठा के देख लीजिए, सब कुछ वही है, जो नेचुरल नियम है, जो धम्म के नियम है वही है। क्योंकि बुद्धिस्ट भारत है इसलिए इस लोग इसको बदल के कुछ और दूसरा भारत बनाना चाहते हैं, वो ये नहीं कहते कि ये बुद्धिस्ट भारत है। और जो बुद्धिस्ट और प्रबुद्ध लोग हैं उनको ये पता ही नहीं कि ये तो बुद्धिस्ट भारत ऑलरेडी है, जब से संविधान चला है और जब बुद्ध ने बनाया था अशोक के समय तब भी था। 400-500 साल के लिए ये अबुद्ध भारत हुआ है, अबौद्ध भारत हुआ है, अबोधि भारत हुआ है, बाकी ये बोधि भारत ही है, प्रबुद्ध भारत ही है। मगर अगर कोई व्यक्ति दोबारा से ये कहे कि मैं सबको धम्म में लेके आना चाहता हूँ, जैसे सम्राट अशोक के समय सारा का सारा ईरान से लेके और बर्मा तक सारे लोग बुद्धिस्ट थे, बुद्ध की विचारधारा करते थे, तो मैं वही घर वापसी कराना चाहता हूँ, तो करा ले, बहुत अच्छी बात है, मगर लोगों को तो इकट्ठा करोगे उसके लिए। तो राजनीतिक अपने एजेंडे के लिए भी लोगों को इकट्ठा करोगे, जो धम्म का एजेंडा है उसके लिए भी लोगों को इकट्ठा करोगे, जो सरकारी कर्मचारियों के एजेंडे हैं, जो सरकारी कर्मचारी अपने आप को बचाना चाहते हैं उसके लिए भी लोगों को इकट्ठा करोगे, जो सामाजिक संगठन है उसके लिए भी लोगों को इकट्ठा करोगे, जो लड़कों के दलबल जो संगठन है उसके लिए भी इकट्ठा करोगे, और जो आर्थिक बातें हो रही हैं कि हम अपना बैंक बनाएंगे, हम अपना ऐसा सिस्टम बनाएंगे, हम अपनी इंडस्ट्री बनाएंगे, हम अपनी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम अपने कल कारखाने बनाएंगे, उसके लिए भी लोगों को इकट्ठा करोगे, क्योंकि अनंत जाओगे तो लोगों के पास ही ना। तो अलग अलग क्यों जाते हो, अलग अलग लोगों को क्यों इकट्ठा करते हो? दरअसल संगठन जो है वो लोगों को अलग अलग इकट्ठा करते हैं और संघ में सारे इकट्ठे होते हैं। तो वी द पीपल एक संघ है, इसलिए वी द पीपल कहता है कि आपको अगर अलग अलग काम भी करना है तो भी आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। तो आप अलग अलग इकट्ठा होने की ताकत मत बर्बाद कीजिए, पहले आप एक साथ इकट्ठे हो जाइए, फिर जिनको धम्म का काम करना है वो धम्म का करें, जिनको यूनिवर्सिटी बनानी है वो यूनिवर्सिटी बनाएं, जिनको कॉलेज खोलने हैं वो कॉलेज खोलें, जिनको स्कूल खोलने हैं वो स्कूल में पढ़ाएं, जिनको इंडस्ट्री चलानी है वो इंडस्ट्रीज में जाएं, जिनको सरकार चलानी है वो सरकार में जाएं, जिनको राजनीति करनी है वो राजनीति में जाएं, जिनको ब्यूरोक्रेसी में जाना है वो अफसर बने, जिनको विदेश में जाकर नौकरी करनी है वो विदेश चले जाएं, जिनको खेतीबाड़ी का काम करना है वो खेतीबाड़ी का करें, जिनको मजदूरी करनी है वो मजदूरी करें। तो सबके लिए जब इकट्ठा होना है तो अलग अलग इकट्ठा होना कौन सी बुद्धिमानी है? मगर जो संगठन बने हुए हैं भारत के अंदर, वो संगठन लाखों की तादाद में है और वो संगठन व्यक्तिवाद पर आधारित हैं, मनुस्मृति पर आधारित हैं, और वो राजतंत्र पर आधारित हैं, राजा रानी पर आधारित हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है व्यक्तिवाद का, मनुवाद का और राजा रानीवाद का, तीनों एकवाद हैं। उसमें एक राजा होता है, एक उसका महामंत्री होता है, एक उसका खजांची होता है, कुछ उसके चापलूस दरबारी होते हैं, और बाकी प्रजा होती है। और प्रजा का सिर्फ एक काम है कि वो खेती करे, मजदूरी करे और लगान दे, टैक्स दे और रिवेन्यू दे, और अगर ना दे तो उनको कौड़े बरसाओ और उनको जेल में डालो। यही नियम है मनुस्मृति का, क्योंकि मनुस्मृति में राजा का ही मामला है, राजा ही बताया जाता है उसके अंदर, उसके अंदर संघ या संवैधानिक चीज़ नहीं होती, स्ट्रक्चर जो आज की है। यही व्यक्तिवाद है, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, जो संगठन बनाता है उसमें वो खुद प्रधान बनता है, एक अपना महासचिव बनाता है, एक उसमें वो अपना कैशियर बनाता है, कुछ अपने सीसी के या जो मेंबर हैं जिनको सेक्रेटरी बोलता है वो बनाता है, और बाकी की बाकी लोग जो होते हैं उनको वो कहता है कि ये पर्ची है, इसका पैसा मुझे काट के दो, और ये मेरा झंडा है इसको उठाओ और मेरी वाह वाह करो। और उनके लिए उस सिस्टम में कोई जगह नहीं होती, क्योंकि जब वो व्यक्ति मरता है तो अपने बेटे को या अपने भतीजे को या अपने चाचे को या अपने रिश्तेदार को उसमें संगठन में ला के ले आता है, चाहे वो राजनीतिक हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे कैसे भी हैं। या जैसे राजा होता है कि अगर उसके दो बेटे हैं तो उसके दो टुकड़े कर देता है, तो राज्य के दो टुकड़े हो जाते हैं। इसीलिए अशोक के समय पूरा का पूरा देश महाभारत बना, क्योंकि अशोक के समय टुकड़े नहीं होते थे, अशोक ने तो खुद अपने बच्चों को धम्म में डाल के
और पूरी तरह से आगे भेजा। तो इंटैक्ट रहा पूरा महाभारत रहा। सिर्फ महाभारत का जो रचयिता है वो अशोक ही है, यानी जो महाभारत जिसके नाम से पढ़ा है वो अशोक के नाम से पढ़ा है। और अशोक के बाद में, बहुत बाद में जाके, जब यहाँ मनुस्मृति लागू हो गई, जब यहाँ व्यक्तिवाद लागू हो गया, जब राजा रानीवाद लागू हो गया, राजतंत्र आ गया, तो फिर देश के टुकड़े होने लगे। क्योंकि एक राजा है 30-40 साल तक वो राज करेगा, जब मरेगा उसके 4 बच्चे हैं, तो 4 बच्चे आपस में या तो झगड़ेंगे या वो राज्य को बांट के 4 हिस्सों में कर लेंगे। तो 4 हिस्सों में कर लेते हैं तो 4 राज्य हो गए, फिर उनके 4-4 बच्चे हो गए तो 16 राज्य हो गए, फिर 4-4 बच्चे हो गए तो फिर उनके 64 राज्य हो गए, फिर 128 राज्य हो गए, फिर वो राज्यों की बजाय कबीले और टुकड़े हो गए। इसलिए भारत अंग्रेजों के समय टुकड़े और कबीलों में था, क्योंकि वो सारा जो संवैधानिक सिस्टम बुद्ध ने बनाया था, जो अशोक ने लागू किया था, वो लगभग 500-600 साल पहले खत्म हो चुका था। मगर जैसे ही बाबा साहब आए तो उन्होंने फिर व्यक्तिवाद खत्म कर दिया, मनुवाद खत्म कर दिया, मनुस्मृतिवाद खत्म किया, और उन्होंने व्यक्तिवाद खत्म किया, राजतंत्रवाद खत्म किया, तो संघवाद लागू किया उन्होंने, संविधानवाद लागू किया, तो फिर भारत एक हो गया। और भारत आज भी एक है, और जब तक एक रहेगा, जब तक यहाँ संघवाद, भारत गणराज्य संघवाद या संविधान लागू रहेगा, तब तक। और अगर सारा पैसा 2 लोगों के हाथ में आ जाए, या सारे राज्य किसी के हाथ में आ जाएं, और फिर राज्यों के लोग मालिक बन जाएं और वो चुनाव ना कराएं, तो फिर वो टूटना शुरू हो जाएगा, उनमें झगड़े शुरू हो जाएंगे, फिर भारत टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे बुद्ध के बाद में टूटा, पाकिस्तान अलग चला गया, बांग्लादेश अलग चला गया, ईरान अलग चला गया, अफगानिस्तान अलग चला गया, भूटान अलग चला गया, श्रीलंका अलग चला गया, और ये म्यांमार का हिस्सा अलग चला गया, ये सारे टूटते चले गए, नेपाल अलग चला गया, तो फिर टूट जाएगा अगर संवैधानिक स्ट्रक्चर लागू नहीं होगा। इसलिए संगठित रहने के लिए जो संगठन है वो कहते हैं कि हमारे पास एक उद्देश्य है, हम राजनीति में जाएंगे, आ जाओ। दूसरा संगठन कहता है मेरी राजनीति अच्छी है, आ जाओ। तीसरा संगठन कहता है मेरी राजनीति अच्छी है, आ जाओ। वो आपस में लड़ते हैं, वो कहते हैं ये चोर है, ये बेकार है, ये चोर है, ये बेकार है, इसकी पार्टी अच्छी नहीं, इसकी पार्टी ऐसी है, इसकी पार्टी वैसी है। ऐसे ही धम्म के संगठनों में सारे लोगों ने मठ बना लिए। वो कहते हैं मैं धम्म अच्छा बताता हूँ, वो कहते हैं मैं अच्छा भिक्खू हूँ, वो कहता है मेरा मठ अच्छा है, मेरी पर्ची अच्छी है, मुझे पैसा दो, मैंने वहाँ जमीन खरीदनी है, मैंने वहाँ पर्चे छपवाने, मैंने वहाँ ये कार्यक्रम लगाना है। तो वो सारे के सारे जो लोग हैं वो अलग अलग लोगों को इकट्ठा करते हैं अपने उद्देश्य बता करके, मेरा उद्देश्य बुद्ध विहार बनाने का है, मेरा अम्बेडकर भवन बनाने का है। तो उन सबके उद्देश्य अलग अलग हैं, इसलिए वो पहले उद्देश्य निहित करते हैं, फिर अपने आप को वहाँ प्रधान बनाते हैं, फिर अपने रिश्तेदारों को वहाँ जनरल सेक्रेटरी बनाते हैं, फिर कैशियर बनाते हैं, फिर लोगों के पास कहते हैं कि हमने ये उद्देश्य लेकर आए हैं, ये संगठन बनाया, आप संगठित हो जाओ। ये संगठनों के काम है, संगठन का काम है आप सब इकट्ठे हो जाओ और जिसका जो उद्देश्य है वो यहाँ पास कर लेना, सामूहिक निर्णय ले लेना और जो बनाना है बना लेना। अगर 110 120 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक एक रुपया भी देते हैं संघ को, तो 120 करोड़ रुपए में एक यूनिवर्सिटी रोज बन जाती है, 4 यूनिवर्सिटी बन जाती हैं, मेडिकल कॉलेज बन जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाते हैं। तो आपका जितने डॉक्टर हैं वो आपकी सेवा में आ जाएंगे, जितने इंजीनियर हैं वो आपकी सेवा में आ जाएंगे, जितने वकील हैं वो आपकी सेवा में आ जाएंगे, तो आपका ताना बाना पूरे देश में बन जाएगा। फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। जैसे आपको चेन्नई में आप रहते हैं और आपको दिल्ली में आना है, दिल्ली में आपका बच्चा नौकरी लगी है या कोई काम है या एग्जाम देना है या घूमने आना है, तो अगर संघ का सिस्टम आप जानते हैं और उसके आप मेंबर हैं और सक्रिय मेंबर हैं, तो वहाँ से आप फ़ोन करेंगे कि हमारा दिल्ली में कौन व्यक्ति बैठा हुआ है, हमें कौन सा बुद्ध विहार में जाना है, कौन सा अम्बेडकर भवन में जाना है, कौन सा कबीर भवन में जाना है, कौन सा वाल्मीकि भवन में जाना है, कौन सा सतनामी भवन में जाना है, कौन से गुरुद्वारे में जाना है, कौन सा हमारा यहाँ ऐसा जगह है जहाँ पर वो श्रमण समाज की जगह है, तो उसका फ्री में काम हो जाएगा, उसे 10-20 साथी मिल जाएंगे। उसका बच्चा अगर नौकरी में लगा है तो नौकरी में यहाँ कोई ना कोई उसे मकान दे देगा, कोई नौकरी यहाँ निकली है तो उसकी पूरे समाज को पता चल जाएगा कि ये नौकरी है। कोई व्यक्ति ट्रेन से जा रहा है, अचानक उसको तबीयत खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसे पता चल जाएगा कि रेलवे स्टेशन पर कौन सा अधिकारी, कौन से लोग उसके अपने हैं, उसकी मदद हो जाएगी। लूटपाट नहीं होगी, पैसे कम से कम खर्च होंगे, होटलों में पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, आराम से एक दूसरे के घर भी रह सकते हैं, पेइंग गेस्ट के रूप में भी रह सकते हैं, फ्री में भी रह सकते हैं, जैसे आपके संबंध हैं। एक दूसरे के यहाँ की जानकारी रहेगी, कभी किसी की कोई हारी बीमारी परेशानी है तो वो समाचार अलर्ट दे सकता है कि भाई ऐसी बात या वैसी बात है। ये इकट्ठे रहने के बहुत छोटे छोटे फायदे हैं, और बड़े फायदे ये हैं कि अगर आप इकट्ठे रहते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर की और बुद्ध की बात मानते हैं, तो सारे बुद्धिस्ट कंट्री जो 350 करोड़ लोग रहते हैं वो आपके रिश्तेदार हो जाते हैं, वहाँ आप जा सकते हैं काम के लिए, धंधे के लिए जा सकते हैं। श्रमण समाज के लोग हैं, क्योंकि बुद्ध श्रमण थे, इतने श्रमण संघ के वो मालिक थे,
समण संघ की जो रूपरेखा है उन्होंने ही फाउंडेशन की, उन्होंने ही बनाई। डॉक्टर अंबेडकर ने इस फाउंडेशन को आगे बढ़ाया, हम लोग इसको समझ रहे हैं और इसको चला रहे हैं। तो इसका जो मेंबर है वो सारी दुनिया में जितने भी समण समाज के लोग हैं, सारी दुनिया का मतलब है भारत में जो पैदा होता है, जो समण है और जो यहाँ से चला गया समण है, वो चाहे चाहे या ना चाहे इस समण संघ का मेंबर है। तो दो तरह के मेंबर हैं, वो तो मेंबर नेचुरली हैं ही, क्योंकि पैदा समण समाज में हुए हैं तो समण संघ के मेंबर हो गए, और जो एक्टिव लोग काम कर रहे हैं वो एक्टिव मेंबर हो गए। जो एक्टिव हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आप तक पहुँचेंगे, आप उन तक पहुँचिए, काम सबको करना पड़ेगा। दरअसल वी द पीपल का मतलब होता है कि आप भी उसमें उतने ही भागीदार हैं जितना कि मैं या जितना ही कोई और, हम सब बराबर के भागीदार हैं। तो यहाँ का जो लीडर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, क्योंकि वो समण संघवाद पर है, संघवाद पर है, बराबरी पर है, समता के आधार पर है। तो नेता है वो, तो लोग कहते हैं कि एक निर्जीव किताब नेता कैसे होगी। अरे भाई, दुनिया में जितने भी लोग हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कुछ बात बताई, लोगों कहा इकट्ठे रहो। जैसे यहूदी सिनेगॉग में जाके इकट्ठे होते हैं, अब यहूदियों के जो लीडर थे वो चले गए, उनका सिनेगॉग यानी कि जो बाइबल है वो रह गई, तो वो बाइबल के पीछे इकट्ठा है, उसी को अपना नेता मानते हैं। उसके बाद में कुछ लोगों ने उसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए कुछ महापुरुष और आए, जैसे ईसा मसीह आए, तो ईसा मसीह ने उसी बाइबल को मॉडिफाई किया, आगे बढ़ाया, तो ईसा मसीह चले गए, तो लोग उस मॉडिफाइड जो बाइबल है उसको अपना नेता मानते हैं, और पूरी दुनिया में जितने ईसाई के सेंटर हैं वो सब उसके तहत में संडे को इकट्ठे होते हैं। उसके बाद में फिर उसको आगे बढ़ा, और वही जो बाइबल है, जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने कुछ और मॉडिफाई करके उसको कुरान का रूप दिया, वो कुरान बनी, तो सारे लोग जो कुरान को मानने वाले हैं, अब मोहम्मद साहब नहीं है तो उसी को अपना नेता मानते हैं, और फ्राइडे को सारे के सारे वहाँ इकट्ठे होते हैं। तो उनके दिन निश्चित हैं। दरअसल इबादत तो वो किसी भी दिन कर सकते हैं, वर्शिप तो वो किसी भी दिन कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, घर में आराम से कर सकते हैं, शांति से कर सकते हैं, मगर फ्राइडे के दिन भी इकट्ठे होते हैं वो, और जो क्रिश्चियन लोग हैं वो संडे को इकट्ठे होते हैं। तो उनका जो मकसद है वो इकट्ठे होने का है। इकट्ठे होने के बहाने वो प्रेयर कर लेते हैं, इबादत कर लेते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि इबादत करने के लिए इकट्ठे होने का नियम नहीं है। इकट्ठे इसलिए होते हैं क्योंकि इकट्ठा होना उनके सिस्टम में है, वो सुरक्षा देता है, एक दूसरे की जानकारी, एक दूसरे के सुख दुख, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन, वो सामाजिक ताकत देता है। तो ये ताकत आई कहाँ से? क्योंकि बताते हैं कि ईसा मसीह जो थिक्सी मोनेस्टी है लेह के अंदर, वहाँ कुछ साल रहे थे, और वहाँ उन्होंने धम्म का सारा सिस्टम सीखा था, और धम्म के सिस्टम में, बुद्ध के सिस्टम में, बुद्ध से भी पहले जो वज्जी लोग थे, जो वैशाली के वज्जी लोग थे, वो सारे के सारे एक सम्मेलन करते थे जिसको कहते थे सन्निपात बहुल, यानी सन्निपात बहुल। इसका जिक्र आता है जब सात अपरिहार्य नियम जो बुद्ध ने बताए हैं, जब एक राजा मगध का जो अजात शत्रु था, उसने वैशाली पर बहुत सारे आक्रमण किए, मगर वैशाली के जो बज्जी थे, बज्जी लोग, उन्होंने उसको हमेशा हरा देते थे। तो उसने अपना एक महामाते मंत्री भेजा कि जाओ बुद्ध से पूछ के आओ कि हम हारते क्यों हैं। तो वो वत्साकार जो महामंत्री था वो बुद्ध के पास गया, उसने नमन करा बैठा, उसने कहा कि मैं वैशाली को तहस नहस करना चाहता हूँ, वैशाली को जीतना चाहता हूँ, हमारे राजा ने मुझे भेजा है, हम हार जाते हैं, आप बताएं कि हम क्यों हार जाते हैं। क्योंकि बुद्ध हिंसा के खिलाफ थे और उसकी बातें बड़ी कड़वी थी, हिंसा से भरी हुई, इसलिए बुद्ध ने मुँह फेर लिया, मगर प्रश्न पूछा था तो जवाब भी दे देना था, तो मुँह फेर कर उन्होंने आनंद को जवाब दिया, और आनंद से कहा कि आनंद, वैशाली के जो बज्जी लोग हैं वो सन्निपात बहुल करते हैं, मतलब वो लगातार इकट्ठे होते हैं। आप कह सकते हैं उस समय तक संडे मंडे ट्यूसडे यानी शनिवार या वीरवार या शुक्रवार या मंगलवार या बुधवार, ये दिन नहीं थे, मगर वो इकट्ठे होते थे, तो उसको सन्निपात बहुल होते। सन्नी माने होता है, सन्निकट का मतलब है पड़ोस में, सम्मेलन में, और सन्निपात का मतलब होता है सम्मेलन में इकट्ठा होना, एक साथ इकट्ठे होना। तो जब तक वो बहुत आयत में सम्मेलन करते रहेंगे, सन्निपात करते रहेंगे, और एक निर्णय लेंगे, और एक निर्णय पर कर्तव्य भी करेंगे यानी उस पर काम भी करेंगे, तब तक उनकी कोई हानि नहीं होगी, यानी तब तक वो हार नहीं सकती, जीतेंगे ही जीतेंगे, ये बुद्ध ने वहाँ बताया। और ये पहला नियम है और बहुत इम्पोर्टेंट है। उस सन्निपात बाहुल से, उस सन्निचय, उस सनिच से, उस सन्निचर्या से ही सनिचर्या, शनिचर्या पड़ा, और वो हमारी समण लोगों की सन्नीचर्या है, यानी चर्या उसको बोलते हैं, जैसे कहते हैं कि
आपकी दिनचर्या क्या है, यानी दिन भर आप क्या करते हैं, वैसे ही सन्नीचर्या मतलब इकट्ठे होने का कार्यक्रम, इकट्ठे होने की चर्या। तो सन्नीचर्या ही हमारी वो चर्या थी जो हम शनिवार को इकट्ठे होते थे। शनिवार हमारे लिए शुभ शनिवार था, शुभ नहीं, शय शब्द तो बाद में आया है, शय पाली का शब्द नहीं है, पाली में आज भी शय शब्द नहीं होता, शय बाहर का शब्द है। शनिवार और शुभ शनिवार, तो शनिवार शुभ शनिवार हमारे लिए बहुत ज्यादा मंगलकारी होता था। उस दिन हम लोग सब सम्मेलन करते थे, सम्मेलन को ही सनिच्च बोलते थे और सन्निपात बहुल बोलते थे, इसलिए हमारी ताकत हमेशा बनी रहती थी और हमें कोई हरा नहीं पाता था। तो बुद्ध ने जो सूत्र बताया, उसके बाद वस्साकार ने मगध के जो अजातशत्रु था उसको कहा कि ये उनका कारण है। फिर अजातशत्रु ने वहाँ अपने दूत भेजे जिसने वहाँ व्यभिचार डाला, चोरी चकारी झूठ बोलना नशा करना हबस व्यभिचार ये सारी चीज़ें उसने वहाँ डाली, उससे उनमें फूट पड़ गई और उनका जो सन्निपात बाहुल जो सम्मेलन था उसमें फूट पड़ के विद्रोह हो गया। और उस विद्रोह के कारण जब उसने हमला किया तो आधे लोगों ने उसको हमले के अगेंस्ट में खड़े हुए और आधे लोग जो उनके विरोध में, उन्होंने कहा ठीक है मर जाए तो अच्छा है, हमसे लड़ाई है, इस कारण वो हारे। तो हमारे हारने का कारण हमारा जो संघ टूटना और जो हमारा सन्निपात बाहुल जो सिस्टम है वो टूटना, यह कारण है जिसके कारण से हम बर्बाद हुए हैं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि जुड़ने जोड़ने से क्या होगा, उनको ये समझना चाहिए कि जुड़ने जोड़ने से ही सब कुछ होगा। आपने जो काम करना है उसके लिए आप जोड़ोगे, सबसे पहले लोगों से कहोगे इकट्ठे हो जाओ इकट्ठे हो जाओ, तो सबसे पहले यही काम करना चाहिए। ये काम कोई आसान काम नहीं है, ये कोई छोटा काम नहीं है, इस काम को करने के लिए बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। बहुत लोग आएंगे जो इस काम को खराब करेंगे, बहुत लोग आएंगे जो आपके इस काम को नहीं करने देंगे। ये काम इतना आसान नहीं है। जब ये काम करने आप चलोगे, लोगों को जुड़ने और जोड़ने के लिए बोलोगे, तो तीन तरह की परेशानी आएंगी। सबसे पहले तो आपके खुद के ही लोग इसका अपोज करेंगे, क्योंकि उनके अपने अपने एजेंडे होंगे। किसी की गरिमा का हनन होगा, किसी का ईगो हट होगा, कोई नेता बनना चाहेगा, किसी को लगेगा कि मेरी पूछ नहीं हुई, किसी को समाज नहीं दिखाई देगा, अपना अपना दिखाई देगा, किसी को लगेगा कि हमारा तो संगठन खत्म होने जा रहा है। दूसरा जो दिक्कत आएगी, जो एस्टैब्लिश जो लोग हैं जो संगठन में नेता बने घूम रहे हैं और जिन्होंने सबसे ज़्यादा नुकसान किया है, क्योंकि इन हजारों संगठनों के नेताओं के कारण ही हम बर्बाद हुए हैं। ये कभी इकट्ठे नहीं हुए, अगर ये कभी इकट्ठे हो जाते तो हमें ये दिक्कत आती नहीं। तो वो नेता अपने संगठनों को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और अनर्गल बातें करेंगे और ये तो कह नहीं पाएंगे कि इकट्ठा नहीं होना चाहता है। वो ये ब्लेम करेंगे कि देखो ये नेता बनना चाहते हैं, ये कोई संघ मंगन नहीं है, ये ऐसा करना चाहते हैं, ये वैसा करना चाहते हैं। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ का जो नेता है वो संविधान है, संवैधानिक प्रक्रिया होगी और हम पैसा नहीं इकट्ठा करते। कोई अगर समर संघ या विदर्भ पीपल के नाम से आपसे पैसे मांगता है या कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने पर्ची कटी है, तो वो झूठ बोलता है। समर संघ विदर्भ पीपल कभी भी आम पब्लिक से कोई पैसा नहीं लेगा। इसके जो एक्टिव मेंबर हैं वही इसका खर्चा चलाएंगे और इसका कोई ज़्यादा खर्चा होता भी नहीं। और तीसरे नंबर पर वो लोग बाद में आएंगे जब ये समर संघ पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा, जिनको समर संघ से नुकसान है। क्योंकि अगर आपने व्यक्ति से जीतना है तो व्यक्ति को तैयार करना चाहिए, गांव से जीतना है तो गांव तैयार करना चाहिए, शहर से जीतना है तो शहर तैयार करना चाहिए, संगठन से जीतना है तो संगठन तैयार करना चाहिए, और संघ से जीतना है तो संघ तैयार करना चाहिए, और अगर किसी देश से जीतना है तो देश तैयार करना चाहिए, तब आपका जीत निश्चित हो सकती है, तब आपका काम बन सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि चार व्यक्ति इकट्ठे हों और वो किसी संगठन से जाके भिड़ जाएं, उसमें हार ही हार होती है। इसलिए जिसको जिससे संघर्ष करना है उसको उतनी तैयारी करनी चाहिए, तभी उसके जीतने का पता चलेगा, तभी वो जीत सकता है। इसलिए इकट्ठा होना जरूरी है, जिद्द है जुड़ने की, जुड़ेंगे जीतेंगे, जैसे जैसे जुड़ेंगे वैसे वैसे जीतेंगे, जब जब जुड़ेंगे तब तब जीतेंगे, जहाँ जहाँ जुड़ेंगे वहाँ वहाँ जीतेंगे, दफ्तर में जुड़ेंगे दफ्तर में जीतेंगे, गाँव में जुड़ेंगे गाँव में जीतेंगे, तहसील में जुड़ेंगे तहसील में जीतेंगे, जिले में जुड़ेंगे जिले में जीतेंगे, स्टेट में जुड़ेंगे स्टेट में जीतेंगे, और देश में जुड़ेंगे तो देश में जीतेंगे। तो जैसे जिसको जुड़ना, और जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतनी जल्दी जीतेंगे, क्योंकि संविधान है तभी तक जुड़ पाएंगे। अगर संविधान नहीं चला गया तो फिर राजसत्ता हो जाती है, राजा के यहाँ वोटों की कोई जरूरत नहीं होती, प्रजा की कोई अहमियत नहीं होती, प्रजा को वोट डालने का अधिकार नहीं होता राजतंत्र में। इसलिए जब तक लोकतंत्र है तब तक जुड़े तो फायदा है, और बाद में जुड़े तो फिर कोई फायदा नहीं है। इसलिए जुड़ना भी टाइम से है और जल्दी जुड़ना है।
तो जुड़ने के लिए क्या करना है, एक WE जो V है इसको आप अपने DP पे लगाइए, WE जो लिखा हुआ है ये आप अपने घर पे लगाइए, कार में लगाइए, ये समण समाज का चिन्ह है, वी द पीपल से आया हुआ है, जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है। जितने जितने आप वी लगाते जाएंगे उतने उतने आपस में लोगों को पता चलता जाएगा कि ये हमारे समण समाज का संवैधानिक व्यक्ति है जो वी द पीपल में यकीन करता है, आई द पीपल में यकीन नहीं करता। तो वो धीरे धीरे जुड़ने की प्रक्रिया होगी और आप जुड़ जाएंगे तो जीत जाएंगे। धन्यवाद।